Hey guys, welcome back to my channel. अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, my name is Abhipsha. Welcome to my channel. तो आज मैंने ये 3 different look एक साड़ी में क्रिएट किया है, जिसके लिए मैं ब्लैक एंड रेड बॉर्डर साड़ी को प्रेफर की हूँ, बिकॉज इससे बहुत अच्छा लुक आता है. तो चलिए चलते हैं मेरे फर्स्ट लुक की तरफ, जिसके लिए मैंने ब्लैक 3/4 स्लीव्स का एक ब्लाउज लिया है, एक जेगिंग्स पहना है, और जैसे नॉर्मल जैसे प्लीटिंग करते हैं हम पल्लू को साड़ी में, तो वैसे ही मैंने प्लीट कर लिया है पल्लू को और पिनअप कर लिया है. और यहाँ पे मैं जो मेरे फ्रंट फैब्रिक है उसमें से 5 प्लीट्स ले रही हूँ और फ्रंट के साइड में टक इन करूँगी. बट ध्यान रखिए कि जब आप ये लुक क्रिएट करें तो थोड़े अच्छे से हैंड के हेल्प से आप अच्छे से प्लीट्स को प्रॉपर प्रेस करके उसको अच्छी तरह से टक इन करें. और रेस्ट ऑफ द फैब्रिक जितना भी मेरा बचा है मैं उसको अच्छे से प्लीट बना के फिर राइट साइड से मैं टक कर ले रही हूँ. और यहाँ पे भी मैं अच्छे से हैंड के हेल्प से प्लीट को प्रॉपर कर लूँगी, ताकि जब वो फाइनल लुक आए तो आप जब वॉक करें तो एक अच्छा सा लुक आ पाए. और ये जो डिटेलिंग साड़ी का है, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जो मैंने ऑनलाइन कुछ फेसबुक लाइव से लिया हुआ था. अगर आपको ये सिल्क का साड़ी अच्छा लग रहा है देन आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, अभी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है. तो फिर एंड बाकी लुक के लिए मैंने नॉर्मल हेयर स्टाइल सिर्फ फ्रंट पप किया है और सिल्वर ऑक्सीडाइज का मांग टीका और बस ईयर रिंग्स डाला है, दैट्स ऑल. तो या ये मेरा फाइनल लुक है, बट इसको थोड़ा सा एनहांस करने के लिए मैं थोड़ा वेस्ट बेल्ट भी ले रही हूँ. तो वेस्ट बेल्ट से एक तो लुक चेंज हो जाता है एंड एट द सेम टाइम आपका जो भी प्लीट्स है वो सेट होके रहता है, आप वर्क भी कर सकते हैं कंफर्टेबली. इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी बेल्ट का, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था. तो और इसी के साथ मैं अपने हेयर्स को वन साइड कर ले रही हूँ ताकि मेरा इयर रिंग्स थोड़ा फ्लॉन्ट हो जाए. तो चलिए चलते हैं इसका ओवरऑल लुक वर्क एंड फोटोग्राफ्स की तरफ. तो चलिए चलते हैं अभी सेकंड लुक की तरफ. सेकंड लुक में जैसे आप नॉर्मल साड़ी ड्रेप करते हैं, मैंने वैसे ही नॉर्मल साड़ी ड्रेप किया है, बस खाली पल्लू को थोड़ा मतलब लॉन्ग रखा है, ताकि जो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड शोल्डर से लेके राइट साइड शोल्डर तक को अच्छे से मैं ऑफ शोल्डर टॉप के साथ उसको ड्रेप कर पाऊँ, और जो रेस्ट ऑफ द फैब्रिक है उसको मैं टक इन कर लूँगी अपने लेफ्ट साइड पर और एक वेस्ट बेल्ट को भी कैरी कर लूँगी. तो ये है मेरा ओवरऑल लुक, आप देख सकते हैं. तो चलिए चलते हैं मेरे थर्ड एंड फाइनल लुक की तरफ, जिसमें मैंने सिर्फ डेनिम जैकेट को ऐड ऑन किया है, नॉर्मल जैसे आप साड़ी ड्रेप करते हैं उसी के साथ ही, और साड़ी को प्रॉपर प्लीट्स भी नहीं किया है, बस खाली फ्रंट के साइड थोड़ा सा प्लीट सेट कर लिया है, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ मेसी टाइप. और इयर रिंग्स मैंने चेंज किया है बस, एंड दैट्स ऑल. सो चलिए चलते हैं इसका फाइनल लुक इन फोटोग्राफ्स. अगर आपने इसका मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देखा है देन प्लीज़ चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल प्रोवाइड द लिंक. सो होप सो आपको ये वीडियो एंड थीम एंड लुक पसंद आया हो. अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई द सेम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड लेट मी नो द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय.